तो बच्चों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के आपके इस बहुत बढ़िया और बहुत से इंटरेस्टिंग से डिजिटल लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको सभी लेक्चर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप बहुत आराम से अपना काम अपना वर्क नोट कर सके, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है, और साथ में आप हमारे साथ में हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं बहुत बढ़िया से लेक्चर दे रहे हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो भी लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। और समय को बिना बर्बाद करे हुए आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक डायग्राम पार्ट 3। आज डिस्कस करेंगे हम लोग नॉट गेट, और नॉट गेट के साथ में हम लोग आज बढ़ेंगे सर्किट डायग्राम की तरफ, एंड और के लिए सर्किट डायग्राम भी आज आपको सिखाएंगे किस प्रकार से बनता है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा अपने एंड से, ठीक है। तो चलिए टाइम को अब तो बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नॉट गेट। देखो बेटा, नॉट गेट इकलौता ऐसा गेट होता है जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल पे काम करता है। तो इसका जो लॉजिक डायग्राम है वो हमारा क्या होता है, वेरी सिंपल, दैट्स इट। तो अगर ये बेटा हमारा ए है तो यहां पर हमारा वाई हो जाएगा ए बार। बार का मतलब हो गया, अगर मान लो यहाँ पे बार लगा है तो ये जो बार है इसका मतलब होता है रिवर्स, बस इतना ध्यान रखना, रिवर्स, ठीक है। तो टीटी बनाइए, ट्रुथ टेबल, तो एक वेरिएबल ही है तो एक वेरिएबल यानी कि सिंगल, यानी कि टू टाइम्स चेकिंग। वन वेरिएबल की चेकिंग बेटा कितने टाइम है आपको याद है, पिछले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं, टू टाइम्स है। फर्स्ट लेक्चर आप देखिए लॉजिक गेट का, उसमें मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग अभी आगे जाके आपको नीचे डिस्क्रिप्शंस में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हमारी सारी। तो ए हो गया, अब इसके सिर्फ दो वेरिएबल हैं तो जीरो और वन हो गया कॉम्बिनेशन। वाई हमको निकालना है जो कि होना ए बार, बार का मतलब हो गया रिवर्स, तो जहां पर यहाँ पे जो ये जीरो था वो हो जाएगा वन, जहां वन था वो हो जाएगा जीरो, बस सिंपल। तो बेसिकली क्या है कि एंड गेट का जो इस्तेमाल होता है बेटा वो होता है अगर हमें अपना कुछ भी पीछे से मान लीजिए करंट है वो हमारा, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ करंट है वो हमारा ऑन होके आ रहा है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे करंट ऑन है बट आगे सर्किट में आपको यहाँ पे उस करंट को ऑफ रखना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक नॉट गेट प्लेस कर देंगे बीच में तो ऑटोमेटिक करंट आगे बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आपका करंट पीछे से ऑफ है और आप चाहते हैं आगे वो ऑन रहे सर्किट में, तो भी आप नॉट गेट जोड़ सकते हैं तो वो आपका करंट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा है, केवल टू वेरिएबल्स का है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे और वो करेंगे सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं एंड का, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एंड का मतलब हो गया सीरीज, बस इतना आप दिमाग बैठा लीजिए सीरीज, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ है हमारा, ये हमारा करंट फ्लो आ रहा है और करंट फ्लो के साथ में ये हमने दिया, तो ये हो गया हमारा, फिर हमने इसको ऊपर कर दिया और ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए ए और यहां पर ये हो गया बी, ये है हमारा बेटा इनपुट और बच्चों ये है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये जो स्विच लगे हैं दैट ये हमारे स्विच हैं, ये हमारे स्विच हैं, ये जहां पर मैंने ये ए लिखा है ये हमारा क्या है, स्विच है ऊपर। तो ये हमारा तब आगे इनपुट आउटपुट से, इनपुट जो है हमारा तब आउटपुट पे पहुंचेगा जब यहाँ का जो ये बीच का गैपिंग है, ये जो ए वाला जो गैपिंग है ये हमारा फिल हो जाए, यानी ये जो स्विच ऊपर खुला हुआ है ये हमारा बंद हो जाए। तो बंद कब होगा, जब हमारी जो वैल्यू होनी है वो कब होनी है, जब हमारी ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वन, और बी की भी वैल्यू क्या होगी, वन, तभी तो आउटपुट वन आता है यानी करंट आएगा।
तो वन का मतलब है बंद, तो जब ए की वैल्यू वन होगी तभी ये बंद होगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जीरो का मतलब रहता है ऑफ, वन का मतलब होता है ऑन, ठीक है। तो जैसे ही हमने वन दिया, वन का मतलब है कि सर्किट हमारा ऑन हो गया, यानी स्विच हमने ऑन किया। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये जो हमारा खुला हुआ है ये हमारा बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला भी जब बंद देंगे तो बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये जो इनपुट आपने दिया है वो इनपुट हमारा प्रोसेस कर जाएगा और जो भी हमारा रिस्पेक्टिव आंसर है यानी जो भी हमारा आउटपुट है वो आउटपुट हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, शो हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारा काम कर गया है। इसी प्रकार से हमारा थ्री वेरिएबल का भी बन जाएगा। चलिए, तो टू वेरिएबल का था, है ना, ये जो था हमारा ये बेटा किसका था, टू वेरिएबल का। एक हम थ्री वेरिएबल का भी आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं। तो थ्री वेरिएबल का बेटा कैसे करना है, सेम ही होगा जैसा ये है वैसे ही वो भी है। तो ये हो गया हमारा एक दो तीन, दैट्स इट। ये हो गया हमारा ए बी सी और ये है हमारा आउटपुट, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा बेटा इनपुट। तो अब जब ए बी सी कब होता है ट्रुथ टेबल में, आपको याद होगा कि आपका जो आउटपुट आएगा वो कब आएगा, वो तभी आएगा जब आपका जो एक वैल्यू होगी वो हमारी वन होगी। अगर वो वैल्यू वन नहीं होगी तो आपका आउटपुट आगे प्रोड्यूस नहीं करता है। तीनों वन होने चाहिए तभी वन आता था। तो वन का मतलब है करंट आ रहा है। तो अब वन का मतलब क्या होगा, जब ए वन होगा, बी वन होगा, सी वन होगा, तीनों वन होंगे तभी ये स्विच हमारे क्या होंगे, तभी ये स्विच हमारा क्या होगा, बंद होगा। तो जब ये बंद होंगे तभी हमारा आउटपुट आएगा वन। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, सर्किट डायग्राम। ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए मुझे याद आ गया, पिछले वाले लेक्चर्स में मुझे याद नहीं आ रहा था इसलिए मैं भूल गया था कि ये सर्किट डायग्राम भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, बहुत सरल है, आपको दिमाग में रखना है एंड का मतलब सीरीज और पैरेलल होता है हमारा और। ये समझ में आ गया सर्किट डायग्राम, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं और गेट के लिए सर्किट डायग्राम क्या होगा। ये हमारा गया इनपुट, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जाएगा आउटपुट। सही था, मुझे सही लग रहा था वही होना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका इनपुट और हो गया आपका आउटपुट। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट का जो फ्रैक्शन है, क्योंकि अभी अभी जस्ट लाइट चली गई तो लाइट थोड़ी कम हो गई है। तो बेटा ये हमारा टू वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं, थ्री वेरिएबल भी इसी प्रकार से बनना है। तो यहाँ पे ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब आप समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ठीक है, कि आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पकड़ में आएगा कि हमारा ये किस प्रकार से काम कर रहा है और किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं और कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो कैसे था, ये हमारा ए और बी है, तो हमको पीटी बना लेते हैं, ए बी वाई जो कि हमारा आउटपुट है, दैट इज ए प्लस बी। तो अगर ए जीरो है B1 है तो यहाँ पे आउटपुट क्या था, 1, या पूरा पूरा 01 01 कर लो, ये हमारा 00 ही हो गया, ये क्योंकि TT से ही बेटा वेरीफाई होता है, राइट, पता ही है आपको, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को भी, ये तो आपको पता ही है कि TT से ही यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं अपना, राइट। तो 000 मतलब कि अगर A ऑफ है तो खुले का मतलब ऑफ और बंद का मतलब ऑन, तो बिल्कुल अगर दोनों ऑफ है तो आगे आउटपुट नहीं जाएगा, आउटपुट भी बंद रहेगा। फिर है हमारा 01 का मतलब हुआ कि ए तो हमारा जो है वो ए जो है
ए जो है हमारा वो तो ऑफ है, बट हमारा बी क्या है वन हो गया, यानी ऑन हो गया, यानी ये जो हमारा बंद है कर आ गया। तो अब क्या इनपुट से आउटपुट में आएगा? बिल्कुल आएगा, ऊपर से नहीं जा रहा है बट नीचे तो चला जाएगा ना, तो आउटपुट करंट पहुंच ही जाएगा इनपुट से आउटपुट के बीच में। तो इस प्रकार से आपका बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट। समझ में भी आपको आ गया होगा। फिर तो यहाँ पर हो गया वन। अब वन और जीरो, तो वन और जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा जो है वो बी वाला हमारा क्या है, ये हमारा ऑफ है, मगर ए हमारा क्या हो गया ऑन हो गया। तो करंट नीचे से नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से ऊपर से पहुंच जाएगा आउटपुट में, तब भी वन आ जाएगा। और वन वन है यानी दोनों ऑन है, तो वो कहीं से भी जा सकता है करंट, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा टू वेरिएबल सर्किट डायग्राम। इसी प्रकार से थ्री वेरिएबल में सर्किट डायग्राम बना सकते हो, बना सकते हो नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, आप होशियार हैं बहुत भाई, ऐसी क्या बात है, समझदार हैं, होशियार हैं, स्मार्ट हैं, अभी तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। चलिए एक थ्री वेरिएबल मैं आपके लिए बना देता हूं। ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया बेटा हमारा आउटपुट, ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। तो अब हम इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा हो गया ए बी सी, हमको पता है अगर और गेट है तो पैरेलल बना रहे हैं, एक भी अगर ऑन है यानी कि किसी की भी वैल्यू ऑन है तो करंट आराम से इनपुट से आउटपुट पहुंच जाएगा। मान लीजिए हमारा जो है वो पहले ए बंद है, तो जब ए है तो करंट हमारा यहाँ से के उठा, यहाँ से ऑन मिल गया स्विच, तो आगे जाके आउटपुट आ गया, तो आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। ये बंद है, बी ऑन है, तो बी हमारा ऑन है तो सीधे सीधे चला जाएगा, राइट। वो भी ए और बी दोनों बंद है तो सी ऑन है, सी चला गया, राइट। और अगर कोई नहीं है बंद, सब ऑफ है, तो फिर करंट आगे नहीं जाएगा। तो ये था बेटा हमारा एक सर्किट डायग्राम एंड और के लिए। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो और आपको अपनी बात रखनी है, अगर कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप बेझिझक हम लोगों से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हर चीज का सलूशन है हम लोग के पास में, सलूशन मिलेगा आपको। और बहुत जल्द मैं बताऊं आपको कि हम लोग लाइव क्लासेस का भी प्रोविजन करने वाले हैं, आने वाले कुछ समय में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस में भी अभी हर वीक में तो रेगुलर नहीं कर सकते, करेंगे बट एक या दो डेज डिसाइड करेंगे जिसमें हमारे दो से तीन सब्जेक्ट एक दिन में हमारे लाइव क्लास की मदद से आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। उसमें इंट्रैक्शन हो जाएगा थोड़ा बहुत, और सीधे सीधे जो भी क्वेरीज होंगी उनके सॉल्व करने के लिए भी हम लोग उपस्थित रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला लेक्चर बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे लाइक हैं, सॉरी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत से अच्छे से नेक्स्ट पार्ट के लेक्चर में, और उसको मिस मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, यूनिवर्सल गेट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, एटलीस्ट आप मान चलिए हर बार पेपर में पूछे जाते हैं यूनिवर्सल गेट्स, तो यूनिवर्सल गेट्स डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत अच्छे से लेक्चर, तब तक के लिए बाय 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 बाय।